आज की जो वीडियो है बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं बात कर रही हूँ काले जादू पर, यानी ब्लैक मैजिक पर। इसके क्या लक्षण हैं, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं आप, आज के वीडियो में यही विचार विमर्श करने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। परमात्मा उनका दामन खुशियों से हमेशा भरा रखे, यही मैं दुआएं आपके लिए प्रेषित करती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। मैं 2-3 वीडियो डेली अपलोड करती हूँ, तो चेक ज़रूर किया कीजिए। मैं 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी रेकी हीलर हैं, एंजल हीलर हैं और लामा फेरा करते हैं। आप हम दोनों से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श शुल्क जानकर ही आप संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई बार घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे इंसान ये सोचने पर विवश हो जाता है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है परमात्मा। लेकिन ये परमात्मा या प्रकृति का रोल नहीं होता इसमें, इसमें इंसान का ही रोल होता है। और कुछ नेगेटिव इंसान होते हैं जो किसी को पनपते हुए नहीं देख सकते, किसी को खुशी की खुशी नहीं देख सकते, किसी का बरकत नहीं देख सकते। कुल मिला के उनकी सोच नकारात्मक होती है, उनकी बुद्धि नकारात्मक होती है और वो बेसिकली सफल लोगों से चिढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन इससे पहले आपको लक्षण जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्या आपके घर में हो रहा है जिससे आप ये समझें कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू आप पर किया है। आइए शुरू करते हैं। अचानक से कोई दुधारू जानवर दूध देना कम कर दे तो आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके पशु पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है। हरा भरा पेड़ सूख जाए तो भी ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन या काला जादू का इंडिकेशन समझा जा सकता है। अचानक से किसी व्यक्ति को उबासियां आने लग जाए, उस पे किसी बात का असर नहीं हो, वो खुद नेगेटिव हो जाए, उसका कमाने में मन नहीं लगे तो ब्लैक मैजिक समझना चाहिए, काला जादू समझना चाहिए। घर से बाहर मन लगे, घर में मन ही ना लगे तो भी आपको ब्लैक मैजिक समझना चाहिए। स्पेशली घर की स्त्री घर के काम में रुचि नहीं लेवे तो उसको ब्लैक मैजिक उसका असर उस पर हुआ है ऐसा समझना चाहिए। घर के सदस्यों में बुरी आदतें आ जाए तो भी आप ब्लैक मैजिक समझ सकते हैं। ये ब्लैक मैजिक का भरपूर लक्षण है, या यूँ कह सकते हैं बड़ा लक्षण है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगे और फिजूल खर्ची में मन लगे तो भी ब्लैक मैजिक उन पर किया गया है, ये आप समझ सकते हैं। घर अक्सर गंदा रहता है और उसकी साफ़ सफाई समय पर नहीं होती तो भी ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है। स्पेशली घर के सदस्य कमाने में मन नहीं लगाते तो ब्लैक मैजिक का बड़ा असर समझा जा सकता है। इसकी निवृत्ति के लिए क्या करें? हाँ, स्पेशली पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते हों, घर में क्लेश होता हो तो ये भी बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि घर में किसी ने कुछ कर रखा है, घर की खुशियों को किसी ने बांधा है। कोई आपको खुश देख के बेचैन होता है और वो आपका शत्रु भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है। अब इस आप तो शक ही कर सकते हैं, कंफर्म कुछ नहीं कह सकते क्योंकि किसी का नाम कैसे लेवें। तो इसका आप इलाज कर सकते हैं। ये क्या उपाय करना है मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। घर में सफ़ेद आंकड़े का पौधा मुख्य द्वार पे लगाएं। अगर ये सूख जाता है या तुलसी का पौधा सूख जाता है तो ये प्रबल इंडिकेशन है कि आपको किसी ने बांध रखा है, तो आपको नया तुलसी का पौधा और नया सफ़ेद आंकड़े का पौधा मुख्य द्वार पर लगा देना चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाएं तो आपको बचाव रहेगा, कोई भी बुरी बला आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। विघ्न विनाशक गणेश जी की स्थापना मुख्य द्वार पे करें और उनकी पीठ जिस जगह है उस जगह भी आपको गणेश जी का एक और चित्र या मूर्ति रखनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पे मछली का चिन्ह अच्छा रहता है,
घुड़सवार जिसने शस्त्र हाथ में लिए हो वो रक्षक की तरह काम करता है। इसके अलावा सेंधा नमक के पानी से आपको स्नान करना चाहिए, इससे भी बुरी बलाएं आपका पीछा नहीं करती। सभी चक्रों को क्लीन करना चाहिए। चक्रा मेडिटेशन पर मैं शीघ्र ही वीडियो बनाऊंगी जो नमक के पानी से की जाती है। नमक के पानी में आप पैर डिप करके और सहस्रनार चक्र से शुरू करें तो नेगेटिव एनर्जी आपकी रिमूव होती है। घर में सुंदर कांड के पाठ कराएं मंगल शनिवार को और रामायण जी के भी पाठ मंगल शनिवार को कराएं तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होने लगेगा। रामचरितमानस के पाठ भी आप करा सकते हैं। घर में ब्लैक टर्मुलन और एमेंथिस्ट स्टोन रखना चाहिए, ये सुरक्षा कवच की तरह आपकी रक्षा करते हैं। रेकी के सिंबल भी आपकी मदद कर सकते हैं। रेकी का सिंबल चौकूरे बहुत मदद करता है और आप सुबह सुबह अपने घर के कुंडे पर, कमरे की दीवारों पर और ताले पर भी ये बना सकते हैं कहीं जा रहे हैं तो आपका घर का सुरक्षा ये चौकूरे सिंबल करता है। घर में संध्या समय आरती अवश्य करनी चाहिए, संध्या का दीपक अवश्य लगाना चाहिए, प्रातःकाल भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा डेली पढ़ें, इससे भी फायदा होता है। राम रक्षा स्त्रोत भी पढ़ना चाहिए। हनुमान जी की कोई भी पूजा करने से पहले अगर राम जी की पूजा करते हैं, राम जी का नाम आप लेते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। देवी कवच का भी आपको पाठ करना चाहिए। किसी भी कवच का पाठ करते हो तो वो ढाल की तरह आपको रक्षा करता है और आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाता है। प्लांट जो सूख जाता है उसकी भी नज़र डेली उतारें तो आपको बहुत फ़ायदा होने लगता है। पशुओं की भी नज़र उतारनी चाहिए, इस विशेष रूप से दुधारू पशुओं की। दुधारू पशुओं को नज़र लग जाती है और ब्लैक मैजिक उन पर होता है तो उनका दूध देना कम हो जाता है। तो ये तो थी सामान्य प्रक्रिया। और जिस व्यक्ति का व्यवहार अजीबोगरीब हो जाता है उस पे भी नज़र बाधा बहुत ज़्यादा हुई है और ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसको ब्लैक मैजिक आप मोर पंख से उतार सकते हैं झाड़ा देकर। घर में लोबान और गूगल की धुनी दें डेली, इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो ज़रा सा भी तो लाइक किया कीजिए, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मेरे YouTube पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, उनको देखने के लिए डॉक्टर उमाश्री टाइप करिए जिससे मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे और आपको लाभान्वित करेंगे। वीडियो शेयर भी किया कीजिए, शेयर करने से आपको बहुत पुण्य मिलता है और मुझे भी बहुत पुण्य मिलता है और आपको भी आशीर्वाद मिलता है और मुझे भी आपके द्वारा आशीर्वाद इनडायरेक्टली मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में आकर जय श्री राम जैसा पवित्र शब्द अवश्य बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें, बहुत पवित्र शब्द है, और जय माता दी अवश्य बोलें। आप जिन भी भगवान में फेथ करते हैं उनका जयकारा अवश्य ही लगाएं, जैसे जय श्री कृष्ण राधे राधे आपको ये भी बोलना चाहिए। आपके घर के पितरों को और मेरे घर के पितरों को मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।